नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में डिस्कस करेंगे यहां पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में जैसा हमने आपको सुबह की कारोबारी सत्र में बताया था कि आज सोने चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली है, वही सिलसिला शाम में भी सोने चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है। सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो एक नरमी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही हैं। $1950 के नीचे लुढ़क चुका है सोना, $1944 पर है और सिल्वर $24.8 पर है, लगभग 2% की करेक्शन के साथ। तो अब सोने चांदी की चाल यहाँ से कैसी रहेगी और इस नरमी वाले रुझान के दौर में सोने चांदी में कैसे मुनाफा पाएं, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया जी। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। नमस्कार अजय जी। अजय जी, देख रहे गोल्ड और सिल्वर में एक नरमी देखने को मिल रही है अब ऊपरी स्तरों से। हमने $1980 तक गोल्ड को अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले जाते हुए देखा था, लेकिन अब देख रहे हैं $1950 के भी नीचे लुढ़क चुका है। 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इतनी बड़ी गिरावट, अजय जी इसके कारण क्या क्या है और ऐसी सिचुएशन में गोल्ड सिल्वर में मुनाफा कैसे कमाया जाए? देखिए जी, हम सबने देखा कि फेड के मेंबर्स ने कहा कि आगे जाके भी रेट बढ़ सकती है और डॉलर इंडेक्स भी हमने देखा कि ये 100 तक पहुंच गया था, बॉन्ड यील्ड में तेजी आ गई थी, जिसके चलते सोने और चांदी में हमने जबरदस्त गिरावट बनते हुए देखी है। बट दैट डजंट मीन कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है, बिकॉज 2000 का लेवल जो एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है मार्केट में, और जी उनसे कोरोना का कंसर्न या IMF ने भी जो डाउनग्रेड किया है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई ऐसा बड़ा फ्री फॉल जैसा नहीं रहेगा। 1940-1936 की जो लेवल इंटरनेशनल में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने एज ए रेजिस्टेंस देखा था पहले और एज ए सपोर्ट अभी देख रहे हैं। मुझे लगता है शाम का जो डेटा पॉइंट है उसको देखते हुए, एक तो वोल्टेजी काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, M6 में भी रुपए में आज जो मजबूती आई है वो भी एक कारण बना जिसके से सोने और चांदी में हमने गिरावट देखी है। तो हो सकता है शाम को 6-7 बजे तक मार्केट में गिरावट रहे, जो 52,000 के लेवल तक गोल्ड को ला सकती है। 52,000 के करीब फिर से आप गोल्ड को लेके चलिए, जो मुझे लगता है 52,550 से लेकर 52,850 तक का लेवल दिखा देगा। वही अगर चांदी की बात करें तो चांदी में हमने वोल्टेजी ज्यादा देखी है, इंटरनेशनल में भी चांदी $1226 का लेवल जाती है बट तोड़ नहीं पा रही। इस वक्त 2480 के नीचे जो ट्रेड थोड़ा सा कंसर्निंग है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा दबाव है चांदी में, जो डाउन साइड के अंदर 2450 तक का लेवल, जबकि डोमेस्टिक मार्केट पे 67,000 तक का एक सपोर्ट दिखा सकता है, वहां से फिर से बाइंग करके चलना चाहिए। लंबा व्यू, मीडियम टर्म व्यू, सोने और चांदी में तेजी जिस ढंग से रिसेशन का खतरा, इकोनॉमिक ग्रोथ का खतरा बना हुआ है, तो ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए। हाँ, थोड़ा नीचे मिले तो शाम के सेशन में लेके चल सकते। अजय जी, मेरे सवाल कच्चे तेल को लेकर था। कच्चे तेल में देख रहे हैं कि हमने WTI को $100 के नीचे जाते हुए देखा था, ब्रेंट क्रूड भी $102-103 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से हमने कच्चे तेल में हल्की सी बढ़त आते देखी और फिर से देख रहे हैं कीमतें वहां पे स्थिर हो गई। आपको क्या लगता है कच्चे तेल की अब चाल कैसी रहेगी? क्या फिर से नरमी देखने को मिलेगी या फिर कच्चा तेल यहाँ से उछल सकता है? देखिए, मार्च ऑनवर्ड से हमने देखा जैसे यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस था, वो टाइम पे हमने 138 का लेवल छूते हुए देखा। सिंस देन मार्केट में बार बार में कोशिश की जा रही है कि सप्लाई को सप्लाई बढ़ानी चाहिए। हमने डाउन साइड में 97-98 का लेवल मल्टीपल ऑफ टाइम देखा है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी ओपन अप किया जा रहा है और साथ में हमने देखा कि जो इराक है, ईरान है, उनकी भी सप्लाई मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है। बट मुझे लगता है जब तक ये लड़ाई आज भी 52 दिन हो चुके हैं, इसमें अभी तक कंसर्न बना हुआ है। यूरोपियन नेशन ने भी रशिया के ऑयल और गैस को बैन किया हुआ है, जिसके चलते अभी मुझे लगता है ऐसा कोई मटेरियल फॉल नहीं आना चाहिए। $98 का लेवल जब तक ना ब्रांड नहीं तोड़ता है, हम पॉसिबल है कि ऊपर में $120-$122 का लेवल फिर से देख पाएंगे। इनफैक्ट JP Morgan की एक रिपोर्ट भी बताई गई कि यूरोपियन नेशन डूइंग अर्ली, मतलब जो भी ब्रांड है वो काफी जल्दी एक्शन ले रही है, तो प्राइसेस $185 भी जा सकती है। तो मुझे लगता है जब तक 97-98 का लेवल बीच नहीं होता है, प्राइसेस में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जो इमीडिएट में तो मुझे लगता है $112-113 तक का लेवल ब्रांड दिखा देगा। नहीं सर जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है अब बेस मेटल्स का ट्रेंड कैसा रह सकता है?
पूरे देश में की बात करें तो जनवरी ऑनवर्ड की अगर हम देखें सिनेरियो तो थोड़ा सा डाइजी था। पहला चाइना मार्केट हॉलीडे पे गया हुआ था, फिर अब चाइना मार्केट ओपन हुआ लेकिन कोरोना की वजह से मार्केट बंद है, डिमांड निकल नहीं पा रही जिसकी वजह से प्राइस का अपसाइड थोड़ा कैप चल रहा था, लेकिन सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ लास्ट 15-20 दिन महीने भर में हमने देखा कॉपर 800-830 के बीच में ट्रेड कर रहा है, जींस है स्टेबल है कहने वाले, लेकिन हमें लगता है धीरे धीरे यूएसए से चाइना इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं पूरे देश में जो प्राइस में एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। पूरे देश में मुझे लगता है कॉपर काफी अफेक्टिव लेवल पे है, 816 पे लेके चलिए, 800 का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा लंबा व्यू लीजिए जो 840 तक का लेवल दिखा देगा। दूसरा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्साइट के एक्सपोर्ट पर बैन किया हुआ है जिसका सपोर्ट एल्यूमिनियम को आप मिलना चालू हो जाना चाहिए, बीच में थोड़ा ओवर वैल्यू था जिसके प्राइस में दबाव था, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉपर है, लेड है और एल्यूमिनियम, ये तीन कमोडिटी पे हम ध्यान दे सकते हैं। ये सर जी बात करेगा नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस को हमने ऑल टाइम हाई पर भी ट्रेड करते हुए देखा, $8 तक नेचुरल गैस का बाजार उछलता नजर आया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि $6.8 पर इस समय ट्रेड होता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से नेचुरल रशिया पर प्रतिबंध लगे हुए हैं और नेचुरल गैस की जो प्राइसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हाई ही देखने को मिल रहे हैं, तो क्या फिर से नए हाईज लगते हुए नजर आ पाएंगे? देखिए नेचुरल गैस के अंदर अगर हम बात करें तो सेंट्रिक पॉइंट है वो यूरोप और रशिया है, जिनको कंसर्न बड़े हैं, कहीं ना कहीं यूरोप ने बैन कर दिया है रशियन ऑयल एंड गैस को, नो डाउट यूएस सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो हम पूर्ति कर देंगे, बट दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ। तो आई थिंक थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है सप्लाई को लेकर ही, जिसकी वजह से मार्केट में ये तेजी हमने आते हुए देखे हैं, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइस के अंदर एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा तो 500 का लेवल रहेगा, बस अभी भी आप देखिए इंटरनेशनल में हमने $8 तक का लेवल प्राइस में जाते हुए देखा था, बड़ी गिरावट आई है वेदर के अपडेट्स को लेकर, बस हमें लगता है 500 का एक बेस बन गया, जब तक प्राइस 490-500 के लेवल ब्रीच नहीं करते हैं हायर प्रोबेबिलिटी है कि वापस हम 550-60 का लेवल देख पाए, तो एनर्जी स्टॉक में वॉलिटिलिटी रहेगी बट ब्लैंक सेल एट दिस लेवल का कवर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। जी अजय जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या चूज करना चाहेंगे आप? देखिए नॉन एग्री में अभी तक चांदी जो है वो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रही है, तो मुझे लगता है चांदी पे ध्यान देके चलना चाहिए, चांदी मुझे लगता है कि अगर एक दो महीने का व्यू ले तब भी अच्छा है और एक दो दिन का व्यू ले तब भी अच्छा है, तो 67,000 के करीब लेके चलिए, 64,000 का स्टॉप लॉस रखिए, इमीडिएट वन वीक टारगेट जो रहेगा वो 70,000 का रहेगा, बट हाँ ईयर एंड तक के भी जो हमारे लिसनर है जो थोड़ा फिजिकल में भी काम करते हैं और एक साल का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 85,000 से 90,000 तक का लेवल चांदी में देखने मिल जाएगा। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अजय जी से कि अब एग्री कम्युनिटीज में कहाँ पर कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोयाबीन से। अजय जी देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन जो $1,650 की रेंज में ट्रेड कर रही थी अब $1,740 की रेंज में ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से यूएस सोयाबीन के वायदा में उछाल आया है उसका असर अब भारत में और बाकी जगहों पर प्राइसेस में क्या सा देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट में तेजी आई इसका सबसे बड़ा कारण इंडिया ही था, पिछले साल हमने देखा जब जब इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की तब तक मार्केट के अंदर एक बड़ा जंप ही आया, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर फॉर ऑल एडिबल ऑयल, ऑल एडिबल मोस्टली हम देख रहे हैं, चाइना भी नो डाउट अब थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो चुका है, इंडिया में मुझे लगता है अभी मैंने तो मैंने हो सकता है प्राइस एक स्टेबल रहे जो 1,600 से लेकर 1,780 तक का लेवल दिखा दे, 1,800 के ऊपर अभी टाइमिंग जाता हुआ है, बट ध्यान रखना मई जून के बाद ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स क्रैश करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हमने देखा कि डिस्पाइट यूक्रेन का इस बार जो स्विंग है वो काफी सीवियर ड्रॉप बताया जा रहा है, उसको देखते हुए अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, इंडिया इन सभी राज्यों में ऑयल सीड का जो स्विंग होनी है वो एक बंपर स्विंग होनी, जैसे हम इंडिया की बात करें तो सोयाबीन की स्विंग आनी है सामने और यहाँ पे हम बड़ा इजाफा देख रहे हैं, बिकॉज साउथ में हमने बात किया जहाँ पे हल्दी के प्राइस काफी कम होने की वजह से
हल्दी के फार्मर भी सोयाबीन की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले महीने डेढ़ महीने सोयाबीन स्टेबल टू पॉजिटिव रह सकता है, बट जैसे हम जून मंथ में एंटर करेंगे मानसून के साथ और सोइंग के फिगर्स के साथ, प्राइसेस में एक बड़ी गिरावट आना चालू हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट मार्केट के मूव की बात करें तो 1780 से 1800 वर्स टू वर्स ऑन हायर साइड, बट जून के बियॉन्ड पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक बड़ा फॉल देख सकते हैं। जी अजय जी, हमने इंडोनेशिया की तरफ से भी पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो कम होते हुए देखा है, और रिसेंटली इंडिया में जो रिफाइनिंग के जो प्राइसेस हैं रिटेल में भी वो लगातार बढ़ते नजर आए हैं। 175 रुपए लीटर के करीब रिफाइंड तेल देखने को मिल रहा है इंडिया में। आपको क्या लगता है इसका असर बाकी एडिबल ऑयल पर कितना देखने को मिल सकता है? क्या वो भी महंगे हो जाएंगे? अब देखिए, पूरे अगर हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसका सबसे बड़ा जो भी ड्राइवर रहा है वो है पाम ऑयल। हम ज्यादा कभी जानते हैं कि पाम ऑयल को ब्लेंडिंग के लिए यूज किया जा सकता है, बट पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि कहीं ना कहीं बायोफ्यूल में इसका यूसेज बढ़ा है, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर जबरदस्त तेजी, और इतिहास में पहली बार ऐसा है कि पाम ऑयल मूंगफली और मस्टर्ड ऑयल से भी ज्यादा तेज बना हुआ है। पर मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ जी ढंग से क्रूड के भाव में तेजी आई हुई है, ये कहीं ना कहीं पाम ऑयल के भाव को सपोर्ट करता हुआ रहेगा। जब तक क्रूड में कोई मटेरियल बड़ा फॉल नहीं आता है, पाम ऑयल में रिलीफ नहीं आता हुआ दिख रहा है। इन सब के चलते मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, बाकी सब भी जो ऑयल है ये भी भाव एलिवेटेड लेवल पे रहेगा। अगेन अगर हम मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जून जुलाई अगस्त वाला जो पीरियड होता है यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एरिया अंडर कल्टीवेशन में तो चलो ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं बोलेंगे, बट यील्ड में इंप्रूवमेंट इस बार बताया जा रहा है। जो पिछले 2 साल के अंदर लेबर कंसर्न बना हुआ था कोविड को लेकर, वो ये साल नहीं रहने की उम्मीद है। नो डाउट चाइना में अभी भी कंसर्न बने हुए हैं, बट इंडोनेशिया मलेशिया एजोपा ओपन अप है, जो कहीं ना कहीं बड़ा यानी का मतलब क्रॉप साइज बताने की उम्मीद है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि महीना 2 महीना हो सकता है कभी तेल में तेजी रहे या स्टेबिलिटी रहे, बट जून के बियॉन्ड मुझे लगता है पूरे एडिबल ऑयल और एडिबल मील ये सब में हम एक अच्छी खासी गिरावट देख पाएंगे। जी ये सर जी, बात करें अगर अब कॉटन की तो M6 कॉटन में हम देख रहे हैं कि 44,600-700 का ही लेवल देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है क्या यहाँ से अब कभी भी M6 कॉटन में शार्प करेक्शन देखने को मिल सकती है जैसा आपने पहले बताया था, क्या वो कभी भी एक्सपेक्टेड है? देखिए बिल्कुल, मैंने आपके चैनल पे एक शार्प करेक्शन भी बताया था, मेरी उम्मीद थी कि 31-32 हज़ार तक का भी लेवल हम देख पाएंगे, बिकॉज सोनी के फिगर्स है जो हमारी उम्मीद है कि इस बार अच्छी रहेगी और ऊंचे भाव को देखते हुए। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं एरिया देखूं तो तेलंगाना बेल्ट में सुनने में है कि हल्दी के अलावा अगर 9 महीने की क्रॉप में बात करें तो कैस्टर और कॉटन ये कपास ये दोनों के दोनों काफी हाई प्रोबेबिलिटी के फार्मर इनमें शिफ्ट हो सकते हैं। बट अभी भी आप एक चीज समझ के चलिए कि ग्लोबल मार्केट में जो मैं एक्चुअली फॉल जो देखा था वो एरिया बढ़ने की वजह से देख रहे थे, बट फरवरी और मार्च महीने के अंदर ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो तेजी आई है ये कहीं ना कहीं फार्मर को वापस सोचने पर मजबूर कर देगी कि कॉटन में जाना चाहिए या ऑयल सीड में, क्योंकि ऑयल सीड के अंदर अगर हम देखें तो क्रॉप साइज भी छोटी होती है और उनको सेकंड क्रॉप के लगाने का भी मौका मिल जाता है। तो आई थिंक कॉटन का जो एरिया है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जो पहले मेरी उम्मीद थी कि प्राइसेस 32 हज़ार का लेवल दिखा के फिर 65 जाए, अब ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है गवर्नमेंट का एक्शन जो हमने पिछले महीने पिछले हफ्ते में भी देखा था कि इंपोर्ट ड्यूटी स्क्रैच हुई थी, उसके बाद भी आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट तेज ही हुआ है, क्योंकि अब तक इंडिया का जो पोजिशनिंग थी वो एक्सपोर्ट में ज्यादा थी इंपोर्ट के एवज में, लेकिन जब इंडिया इंपोर्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि बैलेंसिंग की सिचुएशन और ज्यादा टाइट ही है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि हाँ सोइन के फिगर जैसे से आने चालू हो जाएंगे क्रॉप साइज के, वो प्राइसेस में दबाव लाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन हायर साइड में मुझे लगता है कि आप 65,000 से 68,000 की तैयारी हमें कॉटन M6 पे कर लेनी चाहिए, जो इंटरनेशनल में 180-185 के लेवल बनते हैं। जी ये सचे जी, बात करें अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बिनौला खल की, तो बिनौला खल के हम प्राइसेस तो देख तो रहे हैं कि अभी स्थिर हो चुके हैं, एक सीमित रेंज में ही है काफ़ी समय से। लेकिन उधर बात करें अगर पशु चारे की, तो पशु चारा काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, और उसके कंपैरिजन में देखने की बिनौला खल के जो दाम है NCDX पर वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। अजय जी, इस बार ऐसा उल्टा क्यों होता नज़र आ रहा है?
देखिए पहला चीज है, मैंने क्लियरली आपके चैनल पर बताया भी था कि 4000 तक के लेवल हम क्वार्टर सीड में देख पाएंगे मार्च तक तक। उसके बाद हमने देखा कि होता है जनवरी में ही हमने 3400 का भाव देख लिया था, उसके बाद प्राइजेस में नया रेंज हमने बताई थी 3000 से लेकर 3400 की जी। और आज का ही दिन है जहाँ पे हम 3000 का लेवल तोड़ते हुए देख रहे हैं। तो पहली बात तो अब पिछले 2-3 महीनों से एक रेंज थी, उस रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया है, बट फ्रेंकली फंडामेंटल कोई ऐसा तेजी वाले सॉरी मंदी वाले नहीं है जो मुझे लगे 3000 के नीचे प्राइजेस को होल्ड करे। हाँ, क्वालिटी इश्यूज को लेकर हमने देखा कि जो एनसीडेक्स की क्वालिटी और थोड़ी सी हल्की क्वालिटी जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड नहीं आ पा रही, और यही मुख्य कारण था जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर दबाव बन रहा था, क्योंकि अभी जो डिलीवरी एनसीडेक्स की निकलेगी वो कहीं ना कहीं खपना तो है। तो मुझे लगता है कि वो 20 तारीख की एक्सपायरी के हिसाब से वो सीनरी निकल चुका है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मार्केट के अंदर अब एक नई वापस बाइंग आती है, क्योंकि प्राइजेस में 300-400 पॉइंट की गिरावट आ गई। वहीं हमने डेयरी इंडस्ट्री में भी देखा है कि डेयरी की डिमांड भी बढ़ना चालू, जीवन से 40 लाख शादी बताया जा रहा है कि 2022 के फर्स्ट हाफ में ही है, और साथ के अंदर दूध के भाव भी जो बढ़े हैं ये भी फार्मर को अट्रैक्टिव करता है। जैसे आपने अभी बताया भी है कि पशु चारे की बात करें या बाकी आइटम की बात करें, उसके कंपेरिजन में कॉटन सीड ऑयल की काफी सस्ता है। नो डाउट मैं मानता हूँ कि मैंने जिस तरह से बताया था कि 3000 से 3400 का रेंज है, बिल्कुल मार्केट उसी रेंज में ही चल रहा था। आज के दिन 3000 का लेवल जरूर तोड़ा है, बट हमें वीकली क्लोज तो थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। मे बी 3000 के नीचे दबाव बन जाए, 100-150 पॉइंट की गिरावट मिल जाए, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि करंट लेवल पे 3000 के नीचे कॉटन सीड ऑयल के नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी काफी मजबूत है। तो मेरे सलाह से या तो आप अगर पोजिशन बना रखे हैं तो वेट करना चाहिए, नई पोजीशन हम 3020 के ऊपर ही बनाएंगे। ओवरऑल मुझे लगता नहीं है कि ये लेवल पे कॉटन सीड ऑयल को बेचना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, सबसे अट्रैक्टिव कमोडिटी वापस कॉटन सीड ऑयल केक ही रहनी चाहिए जी। ये सर जी बात करें अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो हमने हल्की सी नरमी ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी आते हुए देखी है, लेकिन प्राइसेस अभी भी काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। जैसा आपने बताया था कि ग्वार में गिरावट नहीं आएगी, ग्वार में अब तेजी ही बनी रहेगी, वैसे ही प्राइसेस हम देख रहे हैं कि एज इट इज मेंटेन हो रखे हैं। आपको क्या लगता है इस वीक क्लोजिंग होते होते ग्वार की प्राइसेस अब क्या रह सकते हैं? भाई पूरे ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने जब से तेजी बताई है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा जम भी बना हुआ है। टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, बट हायर साइड की अगर हम बात करें तो प्राइजेस अब एक नई तेजी के लिए तैयारी कर रहा है। जिस दिन से यूएस के अंदर प्रोडक्शन क्रूड का बढ़ रहा है, डिस्काउंट बढ़ रहे हैं, ये कहना कि प्राइजेस को आने वाले दिनों में और ज्यादा सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ग्वार ये हफ्ते की बात करें तो ये 6550 तक का भी लेवल दिखा सकता है, और गवार गम की बात करें तो भी रेशियो में इंप्रूवमेंट है, और हम जानते हैं ऑयल एंड गैस के अंदर यूएस काफी अच्छे रिफॉर्म्स कर रहा है, साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी डिमांड पहले महीनों में रही है अच्छी, तो गवार गम में भी हमें लगता है तेजी का रुख रहेगा जो 13500 से 13800 तक का लेवल दिखा देगा। तो बिल्कुल गवार से गवार गम को करंट मार्केट से भी लेके चलना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में दोनों कमोडिटी होनी चाहिए, 15-20 दिन महीना 2 महीना अच्छे रिटर्न और बनते हुए दिखाई देंगे जी। ये सर जी बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में आपने पहले कॉशियस होके ट्रेड रहने की सलाह दी थी कि मसालों में अभी मसालों के अंदर थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, वो हमने हल्की फुल्की करेक्शन बीच में आते हुए भी देखी। क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मसालों में यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए और अभी भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है मसालों के अंदर? मसालों में 6-8 महीने से ही मैं काफी तेजी में था, आपके चैनल से भी हमने कई बार इसमें तेजी का रुख बताया था, बट फ्रेंकली 20-22 फरवरी में जो हमने हाई देखा था वहां पे हमने हमारे क्लाइंट्स को काफी पोजीशन कम करने बताई थी, और अभी भी 25-30% की होल्डिंग करके ही चल रहे, बिकॉज क्रॉप साइज जैसे भी रहे बट अल्टीमेटली मार्केट में अराइवल चालू हो गए, तो जिसका उम्मीद था हमें कि प्राइजेस में एक बड़ा करेक्शन थोड़ा मिल सकता है। जहाँ पे हम धनिया में 8.5-9 हजार का भाव देख रहे थे, जीरे में भी हम देख रहे थे कि प्राइजेस के अंदर अगर गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं 18-19 हजार का लेवल मिल जाए, बट हुआ क्या पिछले 1-1.5 महीने में प्राइजेस में कंसोलिडेशन के साथ तेजी बनी रही है, और वो मुझे लगता है कि आगे जाके भी रहेगी, बट अभी भी वर्ड ऑफ कॉशियस रहेगा, क्योंकि हमने उम्मीद की थी कि मार्च अप्रैल और मई के 10-12 दिन
ये पीरियड में हो सकता है मार्केट के अंदर गिरावट आ जाए, उसके बाद ही तेजी बने, क्योंकि अभी हॉस्पिटलिटी डिमांड अच्छी बनी हुई है लेकिन स्टॉकिंग की डिमांड नहीं है, तो सबको देखते हैं। मुझे लगता है थोड़ा ड्रॉप मिले लेके ही चल रहा है। ओवरऑल हम 18,000 का लेवल दुनिया में देख रहे हैं, बट वो जून अपना अगस्त सितंबर तक देख रहे हैं, तो टाइमिंग तो 13,200 के टारगेट के लिए धनिया लेना चाहिए। और जीरे में भी हमें लगता है कि 2,400-2,500 तक का लेवल दिखा सकता है, तो दोनों ही काउंटर में लिखी चाहिए जी। अजय जी, एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देने चाहेंगे आप? देखिए मसालों की हमने बात की, बट मसालों में सबसे सस्ती आइटम मुझे हल्दी लगती है, तो टॉपिक के तहत पे मैं हल्दी लेना चाहूंगा। चाहे इंटरडे की बात करें तो 9,000 के ऊपर लेके चलिए, 9,300 तक के टारगेट है, लेकिन जिनका भी 6 से 8 महीने का है उसको हल्दी तक बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। 12,500 तक का लेवल मिनिमम दिखा देगा इस बार। अगर हम मराठा की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि एरिया अंडर कल्टिवेशन में हल्दी में ड्रॉप रहेगा, जिसका रकबा कपास की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो पहला है हल्दी, दूसरा है गवार और तीसरा कॉटन सीड ऑयल की मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज की जो गिरावट है वो थोड़ा सा कंसर्निंग, क्योंकि 3,000 का लेवल अगर होल्ड रहता था तो मेरे लिए काफी इजी होता था। अदरवाइज मैं बोलूंगा कि कॉटन सीड ऑयल में थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिए। मंदी वाली कॉल तो नहीं दूंगा कि करंट लेवल में बीच के चलिए लंबा मंदी, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि फंडामेंटल लेवल काफी मजबूत है इसके, तो मुझे लगता है 2-3 दिन वेट करके कॉटन सीड ऑयल की पर भी ध्यान रखिए, जबकि हल्दी गवार ये दो कमोडिटीज में आप लेके काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटीज बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और कौन सी कम्युनिटीज में आगे कितना अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।